इसको हम दे देते हैं, हम बेबी के लिए न्यू लेके आएंगे। प्लीज, आपके पास तो ऑलरेडी इतनी सारी चीजें हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा रोहित व्लॉग। सो गाइस, अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम एंड आज है 15 ऑफ जुलाई एंड मैं जा रही हूँ आज अपने फाइनल, इस प्रेगनेंसी के लास्ट एंड फाइनल अल्ट्रासाउंड के लिए, जो कि है कलर डॉपलर। सो आज ये है फाइनल अल्ट्रासाउंड, उसके बाद आई विल बी फ्री। सो बट हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड भी होती हूँ बेबी को देखने के लिए। ऑल दो ना, अब थोड़े रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इतने अच्छे से सब कुछ नहीं शो होता है, बट येस आई एम सो एक्साइटेड। सांस चढ़ रहा है। सो बस हस्बैंड एंड चीकू जा चुके हैं नीचे एंड मैं भी जा रही हूँ। मैं रेडी हूँ बिल्कुल, चाय वगैरह भी जस्ट हमने अभी पी है। सो चलो, मैं आपको मिलती हूँ वहाँ जाने के बाद एंड जो भी होगा, जितना शूट होगा, जितना पॉसिबल होगा मैं दिखाऊंगी, बिकॉज समटाइम्स वहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं गाइज। एंड मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ थोड़ा, क्योंकि मेरे से अब ज़्यादा ऊंचा नहीं बोला जाता। तो चलो, मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। एंड देन आज जो है मुझे अपनी डिलीवरी डेट का भी पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। सो मैं आप लोगों के साथ वो भी रिवील करूँगी, वो भी शेयर करूँगी। सो चलो गाइज, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। बाय। गाइस, तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए क्लिनिक पर। यहाँ पर जो है हस्बैंड जो है जो पेमेंट वगैरह करनी है वो कर रहे हैं एंड चीकू बस कुछ ना कुछ बोलती रहती है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वेट कर रहे हैं अपने नंबर आने के लिए, बिकॉज ऑलरेडी मुझसे पहले 3 to 4 पेशेंट्स थे जिनको अल्ट्रासाउंड करवाना था। सो यहाँ पर चीकू दिखा रही है अपने डैडी की चोट, क्योंकि इनको चोट लग गई थी, तो बस मैं इसलिए हंस रही थी। होता ही है ना, बेटियाँ बहुत चिंता करती हैं ना पापाओं की। तो बस यही है, हम वेट कर रहे हैं। वेट करते करते काफ़ी देर हो गई थी गाइज एंड यहाँ पर चीकू की जो है शरारतें स्टार्ट हो गई हैं एंड यहाँ पर अल्ट्रासाउंड हो गया एंड हम रिपोर्ट्स लेके अब जा रहे हैं। एंड मुझे ना काफ़ी दिनों से ये भुट्टा खाने का मन था छल्ली, सो मैं वही ले रही हूँ यहाँ पे। सो यार गाइज, फाइनली जो है मैं अल्ट्रासाउंड करवा कर आ गई थी एंड ये जो था मेरा लास्ट अल्ट्रासाउंड था। एंड क्या कहते हैं, फिर बस एक्चुअली काफ़ी थकावट हो गई थी, आगे खाना वगैरह भी बनाना था, खाना बनाया खाया। सो मैंने सोचा कि चलो अब मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी डिलीवरी डेट। सो गाइस, क्या है ना कि हमेशा ही जो डिलीवरी डेट डॉक्टर्स बताते हैं वो हमेशा ही थोड़ा सा टाइम इंक्रीज करके बताते हैं, जो कि मेरी डिलीवरी होनी है मिड ऑफ अगस्त में। मतलब डॉक्टर ने मुझे बोल दिया है कि 10 तारीख के बाद आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, लेकिन जो मेरी अल्ट्रासाउंड में आई है ईडीडी, जिसको कहते हैं एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, वो आई है 2 सितंबर। सॉरी, तो जो है मेरी डिलीवरी अगस्त में ही हो जाएगी, लेकिन हमेशा से ही रहा है कि डॉक्टर्स हमेशा आगे ही बताते हैं। बट हाँ, समटाइम्स क्या होता है, किसी किसी की 40 वीक्स के बाद भी डिलीवरी होती है, ऐसा नहीं होता कि नहीं होती। प्लस जैसे कि अगर मैं बात करूँ अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी की, तो मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी की डिलीवरी डेट थी वो थी 23 जुलाई, ओके, एंड मेरी जो डिलीवरी हो गई थी 29 जून। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गैप है, क्योंकि मेरी डिलीवरी फर्स्ट टाइम जो हुई थी वो 37th वीक में हो गई थी एंड जो डिलीवरी डेट दी गई थी वो थी 23 जुलाई। सो देखो आप कितना ज़्यादा गैप है। तो इसी सेम इस बार भी यही है कि डिलीवरी होनी है अगस्त में, बट जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट दी है वो है सितंबर। सो यही है गाइज। एंड बाकी जो है, कल मैं जाऊंगी रिपोर्ट्स दिखाने के लिए अल्ट्रासाउंड की अपने डॉक्टर को। बाकी अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर ने तो सब कुछ नॉर्मल बताया है, बाकी देखते हैं कि मेरी गायनेकोलॉजिस्ट क्या कहती है। एंड गाइज, बात करें कि नॉर्मल या सिजेरियन की, तो देखिए ये तो किसी को भी नहीं पता होता है कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन होगी एंड क्या नहीं होगी। बट हाँ, अगर मैं बात करूँ अपनी फर्स्ट डिलीवरी की, तो यस, मुझे, मैं मतलब आई वॉज टोटली प्रिपेयर्ड फॉर सी सेक्शन, बिकॉज जिस तरीके से हम पेन वगैरह देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं हर एक चीज़ को,
कि कैसे लोगों को प्रॉब्लम होती है यार नॉर्मल डिलीवरी में, तो मैं बिल्कुल ये सोचती थी कि नहीं नॉर्मल नहीं करवाना, बट बाय द गॉड सेक मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी फर्स्ट। देन अब सेकेंड डिलीवरी की बात करें तो डॉक्टर ने बोला तो है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, बाकी देखते हैं कि उस टाइम पे सिचुएशन क्या रहेगी। एंड गाइस जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है, क्योंकि इस टाइम मेरा 33 वीक रनिंग है एंड मेनली बेबी जो है 37 या 38 वीक पर हो जाता है, सो देखते हैं बेबी का वेट कर रहे हैं कब तक होगा। तो बस यही है कि डॉक्टर ने बोल दिया कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन यू नेवर नो कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन हो जाए। सो बस यही है कि होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज आई वॉन्ट कि जब मेरी फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल होगी तो सेकेंड भी हो जाए। बाकी मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है कि सब कुछ अच्छा ही होगा, बस बेबी की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। गाइज सबसे मेन तो यही होता है एक मदर के लिए। सो फाइनली आज मेरा लास्ट अल्ट्रासाउंड हो गया। वैसे तो लास्ट बिल्कुल भी नहीं कह सकते, बिकॉज जब मैंने वो अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर से पूछा था कि डॉक्टर ये लास्ट अल्ट्रासाउंड है, तो डॉक्टर सेड कि कुछ भी नहीं कह सकते, समटाइम्स जो है हमको दोबारा भी करना पड़ जाता है एंड समटाइम्स ये लास्ट होता है कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो होता है। सो यही है गाइज। बट हाँ मैं बहुत नर्वस हूँ, बहुत टेंस हूँ, खुश भी हूँ कि चलो जो अब टाइम जो है बस थोड़ा सा ही बचा है, एक नया मेंबर हमारी फैमिली में आने वाला है, चिकू का भाई या बहन जो भी आपको वो आने वाला है या आने वाली है। सो मैं भी दोबारा मदर बनने वाली हूँ, मेरे हस्बैंड दोबारा फादर बनने वाले हैं, तो बस खुशी भी है एंड डर भी है। सच्ची बताऊँ तो मुझे डर ज़्यादा है, क्योंकि हाँ गाइज बींग अ वुमेन आप लोग समझ सकते हो कि कितनी मतलब डर वाली बात ये होती है। बट कोई बात नहीं, ये भी टाइम निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा, जब इतना सारा टाइम निकल गया तो ये भी निकल जाएगा। सो एक दिन बेबी हाथ में होगा, वो टाइम सबसे अच्छा होगा। तो यही है गाइस, बस कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि मेरी ईडीडी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट कब की है। सो यही है। सो गाइज आप लोग भी प्रे करना कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, एंड जितनी भी वुमेन्स हैं प्रेग्नेंट हैं जिनकी डिलीवरी होने वाली है या नेक्स्ट मंथ होनी है या इस मंथ होनी है, सो आई विल प्रे टू गॉड कि सबकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए, सबके बेबी अच्छे से हो जाए, सबके बेबी हेल्दी हो, मदर हेल्दी हो। सो बस यही है गाइज। सो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग की यहीं पे एंडिंग भी कर रही हूँ, एंड जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जाके सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगी हो तो, लाइक करना शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। सो मिलूंगी आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।